हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है प्रैंक विद ट्रिगर्ड इंसान, वजाहत हसन। सुनियो, तो ऐसे लग रहा है कि प्रैंक होएगा। अब क्या प्रैंक हो रहा है ये तो अब देख के पता चलेगा। तो लग रहा है काफी हंसी मजाक का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं वजाहत हसन। दोस्तों, आज हम जिनके साथ प्रैंक करने वाले हैं उनको अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर कहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। उनको आप लाइव इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, नोनू के नाम से जानते हैं और भी ना जाने कितने सारे आपने नाम उन्हें दे रखे हैं। मैं उन्हें द चॉकलेट बॉय बोलता हूं, क्योंकि उनकी चॉकलेट बॉय इमेज कमाल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निश्चय मलहन की, यानी कि आपके ट्रिगर्ड इंसान की। लेकिन उनके ऊपर प्रैंक करने के लिए मुझे उनकी मॉम की हेल्प चाहिए, तो मैं आंटी को फोन करने वाला हूँ। चलिए उन्हें फोन करते हैं। पैरी पैरा आंटी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो जैसा मैंने आपको बताया था फोन पर, हमें वो निश्चय के ऊपर एक प्रैंक करना है और उसमें मुझे आपकी आपकी हेल्प चाहिए। सभी उस पे करते रहते हैं। फिर से माँ ने भी किया था। आप सब प्रैंक कर रहे हैं उस पे, अभी मैंने करा था। हाँ, मैंने देखा था, बड़ा मस्त था। बल्कि इंस्पिरेशन मिल गई मुझे उसे परेशान करने की आपसे। और अगर उसको पता चल गया मैंने हेल्प करी है तो वो तो नाराज हो जाएगा मेरे साथ। अब वो आप उसको पराठे खिला के उसको सही कर दोगे, मुझे पता है। अरे आप उसको फिर दोबारा से वही वाला केक खिलाइएगा, थर्मोकोल वाला। हेल्प मुझे आपकी ये चाहिए। एक तो जो उनके पास ना कोई कैमरा सेट करना है, अगर उनके वर्क स्टेशन पे जो कैमरा लगा है ना वो आप ऑन कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। और उसका ना, अगर वो कैमरा ऑन करेंगे ना तो जो मॉनिटर है उसका, उसको प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। अगर कंप्यूटर का मॉनिटर या माउस चलता रहेगा ना तो निश्चय को पता चल जाएगा कि वो ऑन है। ठीक है, तो या तो आप कर दीजिएगा या अभिषेक से किसी से करवा लीजिएगा। ठीक है? है जी है। और दूसरी बात, ये निश्चय अपने वर्क स्टेशन पर कब जाएंगे जो मैं उन्हें प्रैंक कॉल करूं? वो तो हर टाइम वही होता है। अच्छा, इतना बिजी रहते हो। क्या बात है। ठीक है, ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने इस प्रैंक के लिए कितनी मेहनत की है। ये इस तरह का मेरा पहला प्रैंक है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मजा कहां पर आया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंजॉय द वीडियो। हेलो पुलिस। हेलो, हाँ जी, ये निश्चय बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। निश्चय, मैं जगदीश अहलावत बात कर रहा हूँ, मैं थानेदार हूँ SHO यहाँ पर हरियाणा में। और आपके खिलाफ थोड़ी कंप्लेन आई है सर। हाँ जी बताइए। ये कुछ दिन पहले जन्मदिन था आपका। हाँ जी। स्पीकर मिल गया वापस? हाँ जी सर, मिल गए थे, वो तो उसी वक्त मिल गए थे। मेरे मित्र हैं जो आपके घर के पास वाले थाने में, थानेदार है ना, मेरे मित्र ही हैं वो, तो मैंने बात करी थी। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में। पहले तो मुझे बात बताओ, ये कुछ लोगों के नाम लिखे मेरे पास, ये कौन लोग हैं? एक तो ये निश्चय है, तो आप हो गए। हाँ जी, एक, एक एक ये है ट्रिगर्ड इंसान है कोई, एक लाइव इंसान है, एक ये नोनू है और एक ये गू है। गू सर, ट्रिगर्ड इंसान, लाइव इंसान और नोनू सर सारे मेरे ही नाम है। वो नोनू निकनेम है और वो बाकी दोनों चैनल के नाम है, और ये गू गू नहीं पता सर। ये है कोई गू भी लिखा हुआ इसमें। सर हग्गू होगा। हग्गू हग्गू नहीं है, कुछ और है, ये लास्ट में गू है कुछ। ये सर ट्रिगो होगा। ये भाई क्या नाम रखे हैं, ये क्या है, एक हेड है क्या ये? सर वो ट्रिगर्ड इंसान बहुत लंबा है ना, तो उसके लिए ट्रिगो कर दिया वो लोगों ने। मेरे नाम में कोई अपने आखिर में गू करता है?
मैंने थोड़ी ना रखा है, अब लोगों ने रख दिया। अब कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर वो यूट्यूब वाले ना, यूट्यूब देखा होगा आपने। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी फालतू, क्या बहरूपियों के तरह चार चार नाम रखे हुए आपने हैं? सर वो नहीं, वो ये जो चैनल के नाम रखे हैं तने, ये क्या इंसान क्या रखा हुआ है इसमें, ट्रिगर्ड इंसान और ये लाइव इंसान, मतलब तू इंसान है बाकी सारे हैवान है जो देख रहे हैं। नहीं सर वो इंसान देख रहे हैं ना, इसीलिए तो इंसान रखा है। राक्षस देख रहे होते तो फिर राक्षस रख लेते। तेरे को मजाक सूझ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर मैं मजाक कर सकता हूँ आपके साथ। तो ये चक्कर क्या है, कोई इंसान अपना नाम इंसान रखता है क्या? क्रिकेट इंसान, लाइव इंसान, ये क्या है, क्या बकवास लगा रखी है? सर वो प्रूफ देने के लिए लोगों को कि मैं इंसान ही हूँ। प्रूफ देने के लिए लोगों को कि मैं इंसान ही हूँ। क्या लॉजिक है, इंसान ही है, मैं इंसान ही हूँ। तो क्या एलियन भी बना के रखे हैं क्या चैनल, कोई जादू भी है? पता नहीं सर, हो सकता है बना। सॉरी सर। और ना अभी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, ये कंप्लेन आई है तेरे खिलाफ, मेरे थाने में दर्ज हुई है FIR, ठीक है? सर किसने कर दी कंप्लेंट सर? ये सर वो ये मैं बता रहा हूँ, ये नाम है, कुछ एक नाम है मेरे पास, ये है कि ढेंटेड एंड पूजा। सर ढेंटेड एंड पूजा है ना, ये ढेंचेक पूजा होगी सर। वो मेरे पे क्यों कंप्लेंट करेगी सर, मैंने क्या कर दिया? वो कह रही है उसका मजाक उड़ा रहा तू उसके गानों का। सर वो तो पूरी दुनिया उड़ाती है, मैंने उड़ा के क्या गलत कर दिया? मुझे तो उसके गानों में एकदम सच्चाई पे आधारित गाने लगते हैं मुझे तो उसके। मेरे सामने बैठी है ये, कह रही है क्या क्या बताया था बेटा गाना, एक ये सेल्फी मैंने ले ली, तूने नहीं ले ली क्या? मैंने तो ले ली सर। सेल्फी उसने ली, सबने सेल्फी ले ली, मैंने भी ले ली सेल्फी, तो मैंने क्या गलत कर दिया इसमें? उसको दिक्कत थी तो मुझे बोलती ना, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उस पर तो रिप्लाई करती नहीं है, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जरूरी नहीं है ना सारी लड़कियां सीधा इंस्टाग्राम पे जवाब दे दें, अब मैंने भी कर रखा है ऐश्वर्या राय को मैसेज, मेरे को नहीं आया उसका जवाब। अबे साले सर आप अभिषेक बच्चन नहीं हो ना, मजे ले रहे हो सर आप भी, बता नहीं कौन नहीं हो भाई। मेरी बात सुनिए, क्या 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 कर क्या रखा है उसने? दूसरा गाना भी कितना अच्छा है, है उसका वो स्कूटर है मेरा शूटर क्या है वो। कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? बेटा जगदीश अलावर बात कर रहा हूँ, राम प्यारी पे जब सोटियां पड़ेंगी तो तेरे को पता चलेगा कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर। तेरे स्पीकर वाली बात मुझे पता है, कल तेरा जन्मदिन था है मुझे पता है ना ये बात, वो तो सभी को पता है। डर गया, मेरी बात सुन। हाँ जी सर, मेरी बात सुन। हाँ जी सर, कंफ्यूज हो गया। हाँ जी, हाँ जी, एक और कंप्लेंट आई है, ये अब किसकी कंप्लेंट? ये अंग्रेजी का जो ये है कोई बंदा, ये बैगन तो मोटा तगड़ा अच्छे घर का लड़का लग रहा है। बैगन हाँ, कुछ उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाता है ना तू। ओ माय गॉड, जिसने हिप्पोपोटामस किया सर, जी आई जो शो यो। हाँ वही बैंगन बोलता हूँ मैं उसको। अब ये भी कंप्लेंट करेगा, ये तो भाई। नहीं मुझे तो उसकी इंग्लिश बड़ी घनी अच्छी लगती है। इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग, नो नेवर नॉट, एकदम समझ में आती है मेरे। तू बड़ा पता नहीं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हुआ कुछ ज्यादा ही है, मुझे तो समझ में आती है, तेरे को समझ में नहीं आती। सर योर कनाउलेड गए वेरी लो, यू अंडरस्टैंड हिज कनाउलेड गए। अरे सर आपने बोला आपको, आपने बोला आपको बड़ी अच्छी लगी उसकी लैंग्वेज, आपने देखी है उसकी वीडियो, देखी है कभी? सर ही से हिज कनाउलेड गए वेरी हाई, योर कनाउलेड गए ऑल्सो हाई, यू कनाउलेड गए। ये हमने किया था।
सर मी कनावलेड के वेरी वेरी हाई बट नो कनावलेड के बल्ली। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं लग रहा तेरी बातों से और तेरे सर आपने सर आपने तो बोला कि आपको उसकी बड़ी अच्छी लगी भाषा, तो मैं तो बस उसी की भाषा में बोल रहा था। फोन कट गया। कट गया फिर तूने फोन काट दिया क्या मेरा? मेरी इतनी मजाल सर, मेरे को लगा आप परेशान हो गए मेरे फोन काट दिया आपने। मैंने कोई फोन नहीं काटा ठीक है। हमारे फोन का जो नेटवर्क होता है बहुत अलग लेवल का होता है, वो सीधा सैटेलाइट से आता है नेटवर्क हमारा। सर हम तो गरीब है ना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरा फोन का नेटवर्क तो नल्ली कंपनी देती है, कटता रहता है। हमें भी दिलवा दो सैटेलाइट से। तो तेरे को थाने में आना पड़ेगा ना पहले। जिप्सी भेजो क्या तेरे को? थाने बुलाना ही पड़ेगा मुझे। मेरे को तो तेरी बात तो से नहीं 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 नहीं। अरे 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 सॉरी सर, तेरे को भी स्पीकर मिल गया। अरे तेरे को बड़े प्यार से स्पीकर दे दिया। सर मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई क्या बताऊं। मैं हाथ जोड़ के शत शत प्रणाम करता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा सर अपना। क्या हो गया ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं एक कंप्लेंट हो रही है बॉम्बे से, मेरे पास कंप्लेंट आई है। ये ना ये संगीतकार है टॉमी। ये कौन है? टॉमी? टॉमी तो कुत्ते का नाम होता है। मैंने किस कुत्ते पे बना दी वीडियो? ये जो था ना तेरी बातें हैं ये ठीक, मेरे को सीरियस बिल्कुल नहीं लग रही, तू हंस रहा था क्योंकि सब पता प्रैंक हो रहा है। सर आप कह रहे हो टॉमी, वो टॉमी पे तो मैंने बनाई नहीं कभी वीडियो आज तक। उन्होंने बात तो करी थी बनाने की, वो जो कहता पजामा काला 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 क्या है वो? अरे सर टोनी बोलो ना, क्या आप टॉमी टॉमी बोल रहे हो, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो सर। टोनी टोनी कक्कड़। अरे टोनी टॉमी कोई भी हो बात तो एक ही है। सर आई एम हिज बिग फैन, मैं ऐसे कैसे कुछ बोल दूंगा सर। नहीं नहीं मैं नहीं बना, मैंने बनाई थोड़ी ना वीडियो सर, बात भी नहीं कर सकते अब क्या मतलब। नहीं लेकिन तूने बात तो करी है तो वीडियो बनाने वाला है। उसका गाना तेरे को पता समाज के लिए कितना भला काम कर रहा है। वो जितने भी गाने बना रहा है वो बहरे लोगों के लिए बना रहा है, जो बहरे होते हैं। वो बार बार वर्ड को रिपीट करता है, कुर्ता पजामा काला काला काला, जो बहरा होता है उसको एक बार में समझ में आती है बातें। ये पहली सर आपने बात ढंग की करी, मेरा मतलब ये बहुत अच्छी बात करी सर आपने एक्चुअली में। तो फिर मेरा मजाक उड़ाने पे लगा हुआ है मैं सर, वो ऐसा हो जाता है, वो इग्नोर करो मेरे को सर। मैं मेरी बात तो मैं इधर उधर निकल रहा, मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ तो माफ करना थोड़ा सा। सर एक बात बताओ, एक गाना गाती है सेल्फी मैंने ले ली आज दिलों का शूटर, एक कहता है मी का नाव लेड गेबल, एक कहता है कुर्ता पजामा काला काला, कौन सा समाज का भला हो रहा है? जनता माफ नहीं करेगी। कैसी बातें कर रहे हो आप भी समाज का भला? भाई समाज की जो सच्ची घटनाएं उनके ऊपर आधारित चीजें, वो बैरों के लिए गाना बना रहा है। कितना वो बैरों के लिए, बुड्ढों के लिए गाना बना रहा है, बुजुर्गों के लिए सुनाई देता है बुजुर्गों को, एक बार में नहीं सुनाई देता है, करते रहते हैं है? सही बात है सर, मेरे से गलती होगी, मैंने सोच लिया तो ऐसा कुछ करूंगा मैं। एक लड़का है वो तेरा बड़ा दोस्त है और तेरे को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी बात कराता हूँ तेरे से, रुक। निशे भैया मैं सुनियो बात कर रहा हूँ डोरेमोन से, कैसे हो? वो टेढ़े मुंह वाला सुनियो। हाँ टेढ़े मुंह वाला सुनियो, लेकिन असल जिंदगी में मेरा मुंह बिल्कुल सीधा है आपकी तरह, बस दाढ़ी थोड़ी ज्यादा आती है। ठीक है भाई तुम भी उड़ा लो मजाक, बस यही बचा था जीवन में। निश्चय कैसे हो भाई? वजाहत बात कर रहा हूं। आप बताओ आपको नंबर कैसे मिला? मैं आपको बताता हूं, इस सारी खिचड़ी में आपकी मदर भी शामिल है, और वो जो कैमरा आपके ऊपर लगा है ना आपके सेटअप पे, वो भी अभी चालू है, तो उसमें भी आप हाई कर सकते हो अभी। मतलब ये मेरे आपका बर्थडे था, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से। अरे थैंक यू सो मच यार, लेकिन ये गलत है यार ऐसा, तुम मेरे को मतलब सीधा डराया भी देखो किस मामले में, वो पुलिस वाले मामले में। मैं लिटरली वीडियो बनाई है अभी के ऐसा वो स्पीकर वाला कांड हुआ और आपने वो वाली बात बोल के ना
पहले मैं बिलीव नहीं करता ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही वो स्पीकर वाली बात हाँ, बोली हाँ, ना थोड़ा सा मेरे को लगा हाँ, नहीं ठीक है, मे बी शायद सचमुच कुछ सीरियस हाँ, है, क्योंकि एक ऑलरेडी दिल में डर है कि यार थोड़ा सा इस टॉपिक पे बनाया भाई, कल को सच्ची में कुछ ना होता है। मैंने इसीलिए ना वीडियो में कोई सीन वगैरह भी नहीं दिखाए थे कि भाई कुछ पंगा होना नहीं चाहिए, बट आपने जब वो बोला तो ऑलरेडी वो दिमाग में डर था, तो वो मेरे को एकदम से ऐसा हो गया कि ओके मे बी ये सच हो सकता है। फिर जब आपने वो ढिंचक पूजा वाली बात बोली कि आपको उसके गाने अच्छे लगते हैं, मैं कहा ये तो पक्का कोई मजाक कर रहा है, बट फिर उसके बाद पता नहीं ठीक है भाई ठीक है ले लो मजे ले लो आप भी है। अभी आपके करीब करीब 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, ट्रिगर्ड इंसान चैनल पर। आई रियली विश के अगले साल तक आते आते आपके कम से कम 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार हो जाएं। अरे 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 इतना भी हम अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं रखते, 7 के 8 हो जाए वो भी बहुत है। आपको बहुत मोहब्बत करते हैं लोग सारे, मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, क्या कमाल के आप वीडियोस बनाते हो। तो फ्रेंड्स काफी हंसी मजाक का था, बड़ा मजेदार था, और इतना पहले स्टार्टिंग में हंसाया कि उस टाइम तो पेट दर्द शुरू हो गई थी मेरी तो, और खांसी भी शुरू हो गई थी, और एक कई बीच में पहले मुझे शक हो रहा था कि जैसे है ना ट्रिगर्ड इंसान को पता है कि ये प्रैंक हो रहा है, वो उन्होंने बोला भी कि भैया मुझे बीच बीच में लग रहा था कि शायद कोई कर रहा है प्रैंक, पर क्योंकि ये असलियत में हुआ हुआ था तो थोड़ा डर भी बैठा हुआ था, पर बहुत मजेदार था जैसे खींचा है ना बाय गॉड। और सारे वो जो जिनसे मजाक उड़ाते हैं, जिनका रोस्ट करते हैं, उनको लेके भैया वो भी, उन्होंने आपको ये बोल दिया, उन्होंने ये बताया, बहुत मजेदार बनाया था। तो जिस तरह से किया है, मैं तो कह, मेरे को पता है एट वन पॉइंट उस टाइप से फीलिंग आ रही थी कि भाई हे बेचारे के साथ सब प्रैंक ही करते रहते हैं, इतना प्रैंक, वहां पे मम्मी ने प्रैंक कर दिया, वहां भाई ने प्रैंक कर दिया, अब बाहर से दूसरे यूट्यूबर्स भी प्रैंक करी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जो है ना ये अब वो हो गया प्रैंक प्रूफ, तो इनको हर मोमेंट में कुछ भी हो रहा तो उन्हें लगता है ये प्रैंक ही होगा, तो ही इज रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर बड़ा अच्छा वीडियो था, इतना हंसाया जिस तरह से किया है ना, और उसके साथ जो क्लिपिंग्स वो वीडियो की लगाते ना बीच बीच में हंसने वाली, जैसे वो डॉगी का वो वैगिंग करता हुआ और वो सब, वो उसने मूवी जो वीडियो थी उसको और भी मजेदार बना दिया, वेरी नाइस। काफी अच्छा था, काफी अच्छा एंटरटेनमेंट के स्टैंड पॉइंट से बहुत अच्छा है, और क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो प्रैंक अब ऐसे ही प्रैंक होंगे कि घर पे आप जो है कैमरा ऑन करवा दीजिए और टू रिएक्शन देखिए किसी की, तो ये अच्छी बात है प्रैंक करने की रियल, क्योंकि मेरे ख्याल से कोरोना वायरस है कोई बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि नॉर्मली प्रैंक ऐसे होते हैं कि आप सड़कों पे देखेंगे कहेंगे, वहां पे तो आप गारंटेड है किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है, बंदा बहुत घबरा जाता है और बहुत ऐसा ऑथेंटिक रिएक्ट करता है क्योंकि उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। अब घर पे जो है, उन्होंने भी कहा था, मुझे एक पॉइंट पे लगा था कुछ घपला है, जैसे हर इंसान को कुछ घपला है, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एंडिंग का तो उनको पक्का पता चल गया था ये घपला ही है, कौन है भैया पता कर, मगर स्टार्टिंग में डेफिनेटली ही वो सीरियस कि भाई लगता है कुछ घपला हुआ, क्योंकि एक दिन पहले ही जो भी उनके बर्थडे में पंगे हुए थे तो वही उनको लगता कि वही पुलिस वाला कॉल कर रहा है, तो स्टार्टिंग में आई थिंक थोड़ा लग रहा था रियलिस्टिक, उसके बाद उनको पता चल गया था तो मस्ती हुई थी, मगर काफी अच्छा तरीका, वेरी नाइस वीडियो, काफी एंटरटेनिंग वीडियो था। Yes, friends. तो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा और खूब हंसे होगे हमारे साथ, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।